अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज काशिफ मजीद और आज मेरे साथ मौजूद है तनवीर भाई। और आज हम लोग आए हैं तनवीर भाई के साथ और एक कलेब्रेशन वीडियो भी है और एक गपशप हो जाएगी तनवीर भाई के साथ। तो थैंक यू सो मच सर आपको मेरे चैनल पर आने के लिए। मोस्ट वेलकम काशिफ भाई। सबसे पहले तो आप मेरे घर पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काशिफ भाई ने मुझे काफ़ी टाइम पहले बताया था कि भाई मैं कराची आने वाला हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई कराची में है। तो मैंने कहा काशिफ भाई एक छोटी सी साथ में बैठ के वीडियो भी बना लेते हैं, गपशप भी हो जाएगी। तो हम काफ़ी देर से साथ बैठे हुए हैं, गपशप भी हो रही थी, तो काशिफ भाई ने कहा चलो यार एक छोटी सी साथ में वीडियो भी बना देते हैं। बिल्कुल। तो आपको काशिफ भाई कराची कैसा लगा है पहले तो आप बताएं ना, आपने तो मेरा इंटरव्यू करना है, पहले मैं आपका कर लूँ कि आपको कराची कैसा लगा है। कराची ओवरऑल बहुत अच्छा है, यहाँ के जो लोग हैं, अभी जो कि मैं तो आया हूँ नवंबर में ना, तो मुझे गर्मी का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ का जो मौसम है बहुत बेहतर है। और दूसरा जो लोग हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे ओवरऑल, जो है ना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कराची का बहुत अच्छा है। यहाँ के खाने और बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत अच्छी हैं। ये मैं पहले बताऊँ कि ये जो हमारे साथ छोटा सा काका बैठा है ना, ये तनवीर भाई की माशाल्लाह बेटी है, तनवीर भाई की बेटी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इशाल। सही हो के बैठो। ये इशाल है, इससे बड़ा अब्दुल्ला भी है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, वो तो आप वीडियोस में ज्यादातर लोगों ने वो देखा, मेरे साथ बहुत दफा आया और ये फर्स्ट टाइम YouTube के ऊपर आ रही है। बिल्कुल। किसी वीडियो के अंदर ये आई है, पहली दफा YouTube पे आई है। अब कमेंट्स में मुझे पता है काशिफ भाई आपके बारे में और मेरे बारे में लोगों ने कुछ नहीं कहना है, अब इसी के बारे में पूछना है ये कितने साल की है। तो मैं पहले बता देता हूँ 2.5 साल की है। सर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आने से पहले एक क्वेश्चन जो मुझे यूट्यूबर्स ने कहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यार आपने काशिफ भाई से पूछना है, बस एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, उसके बाद इशार आप एक मिनट आराम से बैठ जाओ, हमें बात करने दो। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सर, उसके बाद आप मुझसे पूछें। क्वेश्चन ये कि आप ऑनलाइन अर्निंग के इतने सारे मेथड्स बताते हैं, इतने सारे मेथड्स हैं, मतलब 100+ तो आप बता चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोगों का एक क्वेश्चन है कि ये जो मेथड्स होते हैं क्या ये सारे रियल होते हैं या फेक होते हैं? अगर ये रियल होते हैं तो क्या इन सारे मेथड से आप पैसा खुद कमा रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि रियल और फेक। मैं इस चीज़ को इसलिए भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, मैंने आपकी वीडियो भी पिछली एक देखी है जी जी, जिसके अंदर किसी ने कमेंट भी ये किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तनवीर भाई असल पता है क्या चीज़ है, आजकल हो क्या गया है कि इस टॉपिक के अंदर, ऑनलाइन अर्निंग के टॉपिक में ना, हम मुझे इसको कवर करते हैं आई थिंक 3 साल से ज्यादा हो गए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसमें अब ऐसा लोग आ गए हैं, अब ऐसे यूट्यूबर्स आ गए हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन वो नॉलेज उनके पास नहीं है, ठीक है, ओवरऑल नॉलेज नहीं है काम कैसे होता है या क्या होता है। वो क्या करते हैं, व्यूज के लिए किसी भी एप्लीकेशन का रिव्यू कर दिया, ठीक है, नहीं देखा कि उसमें अर्निंग का क्या है पोटेंशियल या विड्रॉ कैसे मिलता है, कुछ भी अपने व्यूज के लिए रिव्यू कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोग जब वीडियो देख ली उसके बाद वो रेट करना शुरू कर देते हैं कि सारे यूट्यूबर्स ही ऐसे ऐसे ही। यहाँ पर जो मुझे सबसे ज्यादा मसला दिखा है, तो जो आप पूछ रहे हैं ना कि जो आपका क्वेश्चन है कि 100 से ज्यादा अगर मैंने वीडियोस बनाई है, मैं सब वेबसाइट्स पे काम नहीं करता सर, कर ही नहीं सकते ना, खुद कर ही नहीं सकते। अगर हम लोग ये अब देखें, मैंने हर वीडियो में, आप मेरी वीडियोस देखे ना ऑनलाइन अर्निंग की, 50% वीडियोस के अंदर मैं एट द एंड बता के जाता हूँ कि यार यूट्यूब चैनल ओपन कर ले, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, आपको अच्छी अर्निंग देगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से खुद भी कमा रहा हूँ। बेसिकली मैंने भी इसका आंसर यही दिया था, आप एग्री करते हैं या डिसएग्री, आपने पब्लिक को बताना है। मैंने ये कहा था, मैंने कहा यार कोई भी यूट्यूबर जो अपने काम के साथ ईमानदारी के साथ जो काम कर रहा होता है वो हर तरीके से कमा रहा खुद नहीं होता है, लेकिन वो रिसर्च बहुत ज्यादा करता है कि यार जिन लोगों ने इस चीज में इस मेथड से काम किया है उन लोगों ने कुछ कमाया है या नहीं कमाया, उनके रिव्यूज, उनके फीडबैक्स और इस तरह की सारी चीजें होती हैं जिनसे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि यार ये रियल है या फेक है। तो डेफिनेटली आप ये करते होंगे, अपनी रिसर्च तो कंप्लीट करते होंगे। टोटली चीज ये है कि अब मेरी जितनी भी वीडियोस है ना, आप जो भी वीडियो उठा के देखें, मेरे तकरीबन सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख से ज्यादा है, माशाल्लाह। वीडियोस अगर हम देखें तो 260-270 है, बहुत कम है। हाँ, वीडियोस उसके मुकाबले बहुत कम है। अगर हम नॉर्मल कॉन्टेंट में जाते हैं, अगर 8 लाख 1 मिलियन के करीब हो तो नॉर्मल आप वीडियोस देखें तो 400-800 हजार तक लोग बनाते हैं, इतनी वीडियोस बनती है। लेकिन यहाँ पर वीडियोस क्यों कम है, क्योंकि मैंने वीडियोस पे रिसर्च करनी होती है। मेरी हफ्ते में अर्निंग से रिलेटेड बड़ी मुश्किल से एक कोई वीडियो आती है, क्योंकि हमने सर मेन चीज ये है यहाँ पे कि टोटली अर्निंग का जो मेथड है ना उस पे रिसर्च करके उसका विड्रॉ, सिर्फ ये नहीं है कि मैं चेक करता हूँ कि यार विड्रॉ मिल रहा है या नहीं, कोशिश होती है कि सारी वेबसाइट पे चेक करें कि हमें खुद भी विड्रॉ देती है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। विड्रॉ अगर मिलता है दूसरे नंबर पे लोगों के लिए इजी हो, बिल्कुल, फिर हम वीडियो बनाते हैं। और वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, आप कमेंट्स भी चेक कर लें जहां पर भी आप जाके देखें और वीडियोस पे व्यूज भी देखें, तो लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यही कहने वाला था कि आपके आपका जो क्वालिटी कंटेंट है इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि आपने मतलब 250-300 वीडियोस की बेस पे माशाल्लाह 800K+ सब्सक्राइबर्स गेन किए,
ना सिर्फ सर सब्सक्राइबर्स गेन किए, देखिए सब्सक्राइबर्स लोग मिलियंस में भी गेन कर लेते हैं, आपके मेरे सामने कई चैनल्स हैं, लेकिन उसके बाद जो आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उन पर माशाल्लाह हजारों में लाखों में व्यूज भी आ रहे हैं सर। अगर आप फेक होते तो सर ये पब्लिक आपको छोड़ जा चुकी होती। सर दो से तीन वीडियोस में, मुझे क्या लगता है दो से तीन वीडियोस में बंदा जज कर लेता है ऐसे ही कि नेक्स्ट यूट्यूबर कैसा है। बिल्कुल सर। तो अच्छा काशिफ भाई, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, लेकिन एक और क्वेश्चन आ गया। ये आप इंस्टाग्राम के ऊपर जी इतने सारे आप अकाउंट बना के और लोगों से पैसे खा रहे हैं, ये क्या सीन है? मैं भी खा रहा हूँ, हम दोनों ही खा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ हाँ, हम दोनों जो है ना इंस्टाग्राम के ऊपर लाखों रुपए का स्कैम कर चुके हैं, लोगों को ये लगता है। सर लोग आके कमेंट्स करते हैं, मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। अब मैंने भी ऑलरेडी एफआईए के अंदर केस किया हुआ है, रावलपिंडी के अंदर, आपने कराची के अंदर किया हुआ है। हमने जो है उसके खिलाफ जो स्कैमर है, असल होता क्या है, लोगों ने ये नहीं तहकीक करनी होती कि इंस्टाग्राम अकाउंट रियल है या फेक है। बिल्कुल ऐसे ही मेन मसला यहाँ पर ये आता है। लोग क्या करते हैं सर कि सिंपल जो है वो गए इंस्टाग्राम पे काशिफ मजीद लिखा, जो भी आईडी आई उसको मैसेज किया और सर आप जो है ना हमें फॉलोअर दे दें, या कुछ लोगों का क्या होता है सर चैनल ग्रो कर दे, या ये होता है सर अर्निंग ऐप बता दें। और आगे से स्कैमर क्या करता है, अगर चैनल ग्रो का है वो आपके नाम पे होगा कि तनवीर भाई मेरा चैनल ग्रो कर दें, वो क्या कहेगा कि मुझे अपना चैनल दे दें, पासवर्ड लिंक सारा कुछ, ठीक है। जैसे ही वो लिंक देगा और पासवर्ड और उसके ईमेल देगा तो वो उसका हैक कर लेगा। अच्छा सर, यहाँ वो आपके नाम पे आ जाएगा। इनकी तरफ से ना एक ऑब्जेक्शन ये आता है जो जिनके साथ स्कैम होता है, वो कहते हैं कि यार आप लोग तो रिप्लाई करते नहीं है भाई। अब यहाँ पर देखें काशिफ भाई, अगर हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे, हम कहीं ना कहीं मसरूफ होंगे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप दूसरे फेक अकाउंट पे जाकर मैसेज करके वहां पर लोगों को पैसे देना शुरू कर दें या कुछ। दूसरी बात, जब सर जिन लोगों के साथ स्कैम हो जाता है किसी ना किसी तरीके से वो हमें बता ही देते हैं, हम तक कौन चीज आती है, ईमेल या कहीं ना कहीं हम पढ़ लेते हैं, हाँ, पता हमें लग जाता है, हमारे साथ रब्ता हो जाता है, तो यही रब्ता वो पहले कर सकते हैं थोड़ा वेट करके। असल में लोग वेट नहीं करते हमारे बेसब्रे लोग हैं, यानी कि सब्र नहीं है। बिल्कुल, पहले दिन वो चाहते हैं कि हमें रिस्पांस भी दे ये यूट्यूबर और हमारा सारा काम भी करे। सर अगर रिस्पांस हम नहीं भी दे पाते, इट डजंट मीन कि वो लोगों को पैसे देना शुरू कर दें। सर वाजे आपने भी मैंने भी अपनी वीडियोस में वाजे बताया कि हम इंस्टाग्राम पे कोई पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। आप हमें प्रॉपर जो ईमेल है हमारा वहां मेल करें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है इंस्टाग्राम का, वहां पर जाए मैसेज बना चुके हैं। सर इस टॉपिक पे मैंने भी वीडियोस बनाई है, आपने वीडियोस बनाई है, उनको बताया हुआ है। आप और मैं हम तो शरीफ बंदे हैं, हो सकता है शफीक जाफरी ये काम करता हो भाई, शफीक जाफरी करता होगा उसके बारे में क्या कह रहे हैं उसका हमें नहीं पता है, हमारा दोस्त है लेकिन हम कुछ ऐसे ही है। और ये जो मैंने भी जो बात की है ना, इस पर शफीक साहब का हमने कमेंट भी लेना है सर, गालियां देगा वो देखते हैं क्या कहते हैं। एक मिनट के लिए कॉल करते हैं मेरा मोबाइल, एक मिनट सर, शफीक अगर उसने कॉल पिक कर ली ये लाइव ही हम प्रैंक करेंगे या इंशाल्लाह। अगर कॉल पिक कर लेता है तो उसको हम पूछते हैं कि यार तू ऐसा क्यों करते हो, स्कैम क्यों करते हो आप लोग। सर अल्लाह करे सर वो पिक कर ले, कॉल जो है ना वो जा रही है शफीक भाई को। बिल्कुल जी, वालेकुम अस्सलाम शफीक भाई, कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई आप सुनाएं कैसे हैं, फिट हैं? सर अल्लाह का करम सर, मेरे साथ काशिफ मजीद भाई बैठे हैं, आपसे सलाम दुआ करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कराची पहुंच गया हूँ, कैसा है जानी? सर हम किधर बड़े लोग, आप जो है ना हमने देखे मीटअप किया है और वहां पर हम आपको जो है ना याद कर रहे हैं। जिसका कद लंबा होता है वो बड़ा होता है, आप दोनों से लंबा है। आप हमसे लंबे हैं? नहीं नहीं, आप चेक करें कि सर हम आपको यहाँ पर भी याद कर रहे हैं और हमारी जो है ना ऑडियंस के साथ आपके जो है ना हमने कहा आपसे बात कराते हैं और एक बड़े अहम मौजू पे बात करनी है, ठीक है। सर अभी वीडियो बनाते हुए हमने आपकी बड़ी बुराइयां की हैं। ये सर ये बुराई आपको काशिफ भाई बताएंगे कि हमने क्या बुराई की है, आप अगर कहेंगे तो हम थोड़ी सी और कर लेंगे। यार कर ले शफीक भाई हंसने का मौका मिल जाएगा। हाँ अभी आप ना अभी हमें ये बताएं, मैं एक दफा ना लाहौर में कोर्स भी करवा रहा था यूट्यूब का, तो मेरे साथ ना एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि मेरे साथ स्कैम किया तनवीर भाई ने, उसने शफीक भाई ने कितने का 20,000 रुपए का सर किया होगा, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमने तो वीडियो में यही बोला हमें क्या पता किया होगा यार शफीक भाई का, हमें क्या पता, वो तो पता नहीं कितने लाख रुपए का स्कैम। नहीं हमें क्या पता, मैंने कहा यार हो सकता है किया हो सर, हम क्या कह सकते हैं सर, हमें यकीन करें कोई आइडिया नहीं है सर। अब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये जो आपके नाम पे या इंस्टाग्राम पे हमने बड़ा देखा है जी शफीक भाई जो है ना स्कैम कर रहे हैं।
हाँ शफीक भाई, मैं भाई ना मेरा ताल्लुक ढूंढी से है और ना शरीफ खानदान से है। सर जी आप मतलब क्या तैमूर भाई के ऊपर कोई इल्जाम लगाना चाह रहे हैं? तैमूर भाई ऐसा काम करते हैं, उस्ताद जी हैं वो। मैंने किस पे इल्जाम लगाया? दिमाग ठीक है और भाई मैंने किसी पे इल्जाम नहीं। आप कोई नाम लेना, किसके ऊपर आप कहना चाह रहे हैं, कौन करता है? मिस्टर हाउ का कह दें, तैमूर का कह दें, सिप्टेन का, सर किसी ना किसी का तो कहे ना। खैर है भाई, नशे में हो दोनों, क्या नहीं। मैंने कहा कि हम थोड़ा सा आपसे पूछ लेना कि ये स्कैम आपके नाम पे होते हैं, हमें तो नहीं पता कौन करता है, लेकिन मैंने कहा आपसे थोड़े से जान ले के कौन कर रहा है ये। काशी भाई कहीं ऐसा ना हो कि शफीक भाई ने हमारे नाम से अकाउंट बनाए हुए हों। मुझे लगता है ये इंस्टाग्राम और ये जिस टाइम वीडियो हम डालते हैं ना इनके खिलाफ स्कैमर्स के, ऐसे ही उसी टाइम शफीक भाई के नाम पे बन जाते हैं। क्या हुआ? मेरा चैनल भी आपने हैक किया सर? आपका चैनल भी मैंने हैक किया। सर अब डर लग रहा है, अब डर इस बंदे से डर लग रहा है, अब डर लग रहा है सर। ये ना हो ये कॉल पे मोबाइल भी हमारा हैक हो जाए, कुछ और ही मसला बना। क्यों डर लग रहा है भाई, आज तो मैंने दो बार मुंह धोया है। चले सर हम आगे वीडियो को चले सर, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया हमें। थैंक यू सर, थैंक यू। और बाय द वे हम ऑडियंस को बता दें भाई ये सारा पंगा हो रहा था, मजाक हो रहा था, ये एक प्रैंक था, कुछ भी नहीं था। बाकी शफीक भाई बहुत ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये एक जस्ट जो है ना, हाँ प्रैंक था। अच्छा सर सॉरी मैं आप बात काट रहा हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप कहाँ बिजी होते हैं। भाई बिजी होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब से काशिफ भाई आए हैं ये मुझे इनसे बात नहीं करने दे रही है, तंग किए जा रही है। हम लोग बैठे हुए थे खाना भी खा रहे थे, सुनते हैं ये कहना क्या चाह रही है जी, बोले अब इसको मम्मा के पास जाना है। अभी जो है वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तनवीर भाई से ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है? ये कुछ सीरियस क्वेश्चंस हैं। पहले हमने थोड़ा शुगर लगाया, मजाक किया, और जो शफीक भाई के साथ कॉल भी थी वो भी एक फन था। हाँ इतना बनता है। तो अब जो है ना हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आप लोगों को जानना लाजमी है, और आपको पता है यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो अब आ चुका है फीचर एक। आपने मतलब 6 महीने आप इनएक्टिव थे जब यूट्यूब पे, तो सर मैंने देखा काफी यूट्यूब चैनल्स भी माशाल्लाह ग्रो हो गए उसी फेज में, लेकिन मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट मतलब मैं जो चीज मैं समझता हूँ उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है? उनको नहीं पता YouTube Shorts के बारे में, या आप अगर सादा जुबान में बताओ ना जी, उनको इंग्लिश भी पढ़ना सही नहीं आती होगी, ठीक है? सच है सर, उनको नहीं पता कि YouTube Shorts के जो है ना फीचर्स क्या है, या इसमें क्या होने वाला है, या क्या होने वाला है, ओवरऑल YouTube के ऊपर क्या, ओवरऑल YouTube पे क्या हो रहा है, या वो नहीं बता सकते लोगों को। तो वो एट द एंड क्या करते हैं, वीडियोस आती हैं, मैंने जितना देखा है, मैं देखता हूँ दिन में 10-10 वीडियोस YouTube पे पढ़ रही हैं कि हाउ टू गेन व्यूज, हाउ टू गेन व्यूज, व्यूज कैसे लें, ये कैसे लें। हमें क्या चीज सीखनी है सर, कि मुझे लगता है कि हमें यूट्यूब को जैसे आप सिखा रहे थे जहां से आपको मोमेंटम टूटा था, हमें वहीं से आगे स्टार्ट करना है। हमें वही चीजें, वो प्रॉपर चीजें सीखनी है जो कि यूट्यूब के बारे में हमें चाहिए, और हम ये आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। मैं वीडियो में भी कह रहा हूँ तनवीर भाई को कि अब आपने मोमेंटम नहीं तोड़ना है, अब आपने लॉन्ग टर्म काम करना है ताकि जो ओरिजिनल नॉलेज है सर वो लोगों के साथ पहुंच सके। बिल्कुल ऐसे ही है काशी भाई, असल में सीन कुछ ऐसे हैं कि 5-6 महीने पहले जब मैं यूट्यूब से दूर हुआ, आपको खैर सारी डिटेल्स का पता है कि बड़े भाई जो है वो बीमार हो गए थे, तो उनके साथ में हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, तो मैं इनएक्टिव था यूट्यूब के ऊपर। तो इस दौरान मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ गया था कि ऐसा कोई, क्योंकि आपका भी बेसिक कंटेंट यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब नहीं। आप तो ऑनलाइन टीचिंग मतलब वो सिखाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड, ठीक है? अब यूट्यूब के ऊपर कोई बड़ा यूट्यूबर ऐसा नहीं था जो प्रॉपरली यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब को ही टीच कर रहा है। तो इस दौरान बहुत सारे लोग ग्रो करके ऊपर आए हैं, और वो ग्रो इस वजह से हुए सर, मैं समझता हूँ कि हमारी जो आवाम है बहुत सीधी सादी आवाम है। बिल्कुल, ये किसी की भी वीडियो के थंबनेल के ऊपर लिखा हो ना कि हाउ टू गेट व्यूज, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर ये क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करते हैं उसका CTR इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली उस यूट्यूबर के सामने आना होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जब मैं इनएक्टिव था तो सामने आए हैं, खैर हम उनकी बुराइयां नहीं कर रहे, ठीक है सर, वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन ये चीज सर उनको भी चाहती है कि वो भी मेहनत इस लिहाज से भी सर करें, रिसर्च करें, हाँ रिसर्च करें, लोगों को मिसगाइड ना करें। मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल, वो अल्लाह करे कि सारे जो यूट्यूबर्स हैं ग्रो करें, बिल्कुल, लेकिन जो भी बंदा ग्रो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये यूट्यूब का टॉपिक ऐसा है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखिए मैं समझता हूँ, कल भी एक बंदे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि तनवीर भाई मैं आपकी तरह काम करना चाहता हूँ, तो काशिफ भाई मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने कहा यार देखने में ये काम बहुत आसान लगता है लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने जो वीडियो बनानी होती है सर हमारी उसके पीछे पूरी रात की रिसर्च होती है, और बाज़ औक़ात सर एक एक हफ्ता लग जाता है कि हम एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च किए जा रहे हैं कि हम हमारे सामने रिजल्ट नहीं आ रहा होता, काफी काफी दिन लग जाते हैं। लेकिन हमारे इस टॉपिक के साथ बड़ी नाइंसाफी इस तरह से हो रही है कि अक्सर जो नए यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब को टीच कर रहे हैं, वो किसी की वीडियो देखी, सही गलत तो उनको पता ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं करते कि ये खबर सही है या नहीं, बस जो अगले बंदे ने बात की वही बात मतलब उठा के रिपीट कर दी, बिल्कुल अपनी वीडियो बना दी,
और फिर उन लोगों को जो यूट्यूबर फॉलो करते हैं उनके चैनल्स के ऊपर जब मसले आते हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो फिर वो आते हैं मेरे पास कि तनवीर भाई मेरे चैनल पे ये इशू आ गया, ये इशू आ गया। कल की आपको काशी भाई बात बताता हूँ, एक लड़की से बात हुई तो मुझे कहती है तनवीर भाई 2023 में एक नई पॉलिसी आ रही है। मैंने कहा बच्चे कौन सी पॉलिसी? कहती है अब जो चैनल मोनिटाइज होंगे वो 500 सब्सक्राइबर्स और 2000 वॉच आवर्स की बेस पे होंगे। अब वो 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर वाली पॉलिसी खत्म हो गई है। सर ये मैं आपको यहाँ से काटता हूँ, एक चीज बताता हूँ, ये पता है कब हुआ था? ये तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले ना, जी जी, जब आप उस टाइम इनएक्टिव थे, जब मतलब यूट्यूब पे, जब ये यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स का मोनिटाइजेशन का आ रहा था, जी जी जी, उस टाइम यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट डला है पाकिस्तान से भी इंडिया से भी, जिसमें लोगों ने क्या कहा कि जी अब 500 सब्सक्राइबर 2000 घंटे, पर मुझे उस टाइम शिद्दत से आप याद आ रहे थे कि यार तनवीर भाई होते तो ये चीज उसी टाइम बताते कि ये गलत है। फिर भी एट द एंड मैंने वो वीडियो एक बनाई थी अपने चैनल पर डाली ताकि लोगों को ये चीज कंफर्म हो कि ये नहीं है ऐसा, और वो बाद में भी मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी आई तो वो चीज नहीं थी, 500 और 2000 वाला नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितने भी आप लोग हमें देख रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप YouTube सिर्फ मुझसे सीखे, मैं सब सर मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ कि बाकी जितने भी ट्रेनर्स हैं टीचर्स हैं सारे मुझसे अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। हाँ सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो मुकम्मल रिसर्च करें, और उसके बाद जो सीखने वाले हैं वो भी कभी एक बंदे की वीडियो देखी कभी दूसरे की, अब जी ये बंदा कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है तीसरा कुछ कह रहा है, तो आप किसी एक बंदे को फॉलो करें, अगर आप सबको फॉलो करना शुरू कर दें मिक्स हो जाता है, फिर मामला खराब हो जाता है, मामला खराब होते हैं। आप अगर सिर्फ तनवीर भाई को करते हैं फॉलो, तनवीर भाई को करें, किसी और यूट्यूबर करते हैं उसको करें, ऐसा ही है। एक अपना मेंटोर लें, उसके बाद जो है ना जब मेंटोर आपका पक्का हो जाए फिर उसके बाद आप जो है ग्रो कर सकते हैं, जब आप उस पर काम करेंगे उनसे सीखेंगे। अब आपसे ना शॉर्ट क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे हमें बताते हैं वीडियोस पे 1000 व्यूज पे इतने डॉलर मिलेंगे, ठीक है, या मिलते हैं कितने मिलते हैं, एग्जैक्ट शॉर्ट्स पे 1000 व्यूज के ऊपर कितने डॉलर मिलेंगे? क्या नहीं बता सकते, तुक्का है, जितने लोग बता रहे हैं गलत है। उसकी वजह ये है कि सर अभी तक देखें शॉर्ट्स मोनेटाइज नहीं हुए, शॉर्ट्स के ऊपर फंड आ रहे हैं, तो अभी एक तुक्के मारे जा रहे हैं जी शॉर्ट्स के ऊपर इतने 1000 व्यूज पे इतने डॉलर मिलेंगे, सारा तुक्का है सर। तो बस इसमें कोई अभी तक नहीं आपको एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता है। अच्छा एक और मुझे शॉर्ट्स आपसे आंसर चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये एट द एंड प्रॉब्लम होती है कि हम अपना कंटेंट कैसे तलाश करें, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस टॉपिक में बेहतर हूं और इस पे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आपने देखा है कुकिंग पे बहुत ज्यादा चैनल्स हैं आजकल और बहुत से वीडियोस हैं, और मैं मुझे क्या लगता है कुकिंग पे देखने वाले कम हो रहे हैं बनाने वाले ज्यादा हो रहे हैं, हाउसवाइफ ज्यादा बना रही हैं मुझे जो लग रहा है, असल में तो कंटेंट को हम कैसे तलाश करें कि ये मेरा बेस्ट कंटेंट है या मैं इस पे काम करूं? सर मम्मा के पास भाई इसको मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ, सॉरी आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप थोड़ी देर बैठो मैं आपको लेके जाता हूँ। बेसिकली सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि यूट्यूबर्स को यही समझ नहीं आता कि यार हम क्या कंटेंट क्रिएट करें। सर इसका जवाब ये है कि देखें जब आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं काम करते हैं, आप सबसे पहले तो ये देखें आपको पर्सनली किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका पैशन क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं यूट्यूब के ऊपर भी। अब मान लें सर, अब मुझे नहीं पता कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या नहीं है, लेकिन मान लें कि आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप मुझसे मशवरा करते हैं कि तनवीर भाई मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और मैं आपको आके कह देता हूं कि आप व्लॉग्स बनाएं। अब पता चले कि आप इतने शाये हैं कि पब्लिक के सामने बोल ही नहीं सकते, बोल सकते। अब मेरे मशवरे पे अमल करेंगे तो 100% आपने नाकाम होना है। तो आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आएंगे, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, जिस चीज का आपको इंटरेस्ट है, स्किल्स हैं, आप करना चाह रहे हैं, अगर उस चीज में आपने काम करना है तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जी जी, वो ये है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, जी ठीक है, एक ये भी होता है, मैंने बहुत फेस किया, मुझे सर कुछ भी नहीं आता, ना मैं अपनी वॉइस लाना चाहता हूँ ना फेस लाना चाहता, फिर बताएं मैं कैसे यूट्यूब सर्निंग करूँ या यूट्यूब पे क्या कंटेंट बनाऊं? ये मैंने बहुत ज्यादा फेस किया है, लोग पूछते हैं। ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब खासतौर पर जो गर्ल्स हैं, वो ये चाहती है कि हमारी आवाज भी रिकॉर्ड ना हो और हमारा फेस भी सामने ना आए। तो सर देखें फिर उनकी क्रिएटिविटी सामने आती है, जब आप आवाज भी नहीं दे रही हैं और अपना फेस भी नहीं दे रही हैं, देन आपको तीसरे नंबर पे जो चीज देनी है ना वो आपने अपनी क्रिएटिविटी देनी है कि आपके अंदर कोई ना कोई तो ऐसा स्किल होना चाहिए, कोई ऐसा क्रिएटिव काम आप करें कि जिसको देखने में पब्लिक को इंटरेस्ट हो। जैसे कि सर आप इंटरनेट पे देख लें, आर्ट एंड क्राफ्ट है सर। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने पाकिस्तानी एक यूट्यूब चैनल देखा, एक लड़की का लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं, कुकिंग का चैनल है, ना वो फेस है उसका ना उसकी वॉइस है, वो सर जस्ट अपना मतलब सब्जियां काट रही है पका रही है, और जो आवाज उसमें रिकॉर्ड हो रही है ना वो जो आसपास की आवाजें जो नेचुरल वॉइसेस हैं वो उसमें आ रही है, वो अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही। तो अब ये क्या चीज है सर, ये उसकी क्रिएटिविटी है। सर यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन इसलिए करना चाहता हूँ ताकि ना ये छोटे छोटे क्वेश्चन से लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब मैं चाहता हूँ, मैं नेचुरल वॉइस नहीं ला रहा, जो आगे मैंने वीडियो बनाई
मैं चाहता हूँ मैं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूं, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? सर यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके कंटेंट में कि आपका जो कंटेंट है उसमें सफिशिएंट कंटेंट आपका इतना है। अच्छा यहाँ अच्छा, ये चीज मुझे लाजमी बताएं कि कितने परसेंट कंटेंट हमारा हो ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो, क्योंकि बहुत से लोग ना बाद में इनएलिजिबल का फेस करते हैं या रीयूज का फेस करते हैं, तो इस चीज को हम कैसे करें कि हमारा कंटेंट मोनेटाइज हो? सर असल में देखें इसको हम परसेंटेज में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? कि अब एक बंदा मुझे कहता है जैसे कि जी मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई है, 10 मिनट की फेस कैम वीडियो, सॉरी फेस कैम नहीं, विदाउट फेस है, विदाउट फेस है, लेकिन मैंने बाहर कैमरा ले जाके आउटडोर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन उसके अंदर जो साउंड है वो मैंने बाद में म्यूजिक लगाया है, क्या मेरा मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? अब सर डिपेंड करेगा, अब उसने ये कैमरा ऑन किया, कैमरे के सामने क्या चीज है? अब मान ने एक बंदा जी खाली ग्राउंड ही दिखाया जा रहा है तो इट मींस कि उसके कंटेंट में क्रिएटिविटी नहीं है। हाँ, तो अब यूट्यूब के बाद यूट्यूब के पास जब उसका चैनल जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए तो यूट्यूब ने उसका मैक्सिमम कंटेंट चेक करना है, प्लस ये चेक करना है कि क्वालिटी कंटेंट है या नहीं। अब यूट्यूब साफ मना करता है कि भाई आपने कचरा वचरा वीडियो बनाकर अपलोड नहीं करनी है, अगर उसका कंटेंट अच्छा होगा, जानदार यानी कि वो अगर ब्लॉग बना रहा है या प्रॉपर मार्केट अच्छा कंटेंट है, देन वो फ्री म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मतलब इशू नहीं है। मतलब कंटेंट में जान हो, मतलब ये है कि कंटेंट जो वीडियो बना रहा है उसमें जान होगी तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा ही है, और अगर वो सिंपल एक वीडियो बना रहा है और नेचुरल वॉइस ले आता है जो नेचुरल हो रहा है फिर चल इजीली फिर चल जाएगा। अगर नेचुरल वॉइसेस आ रही है देन 100% मोनेटाइज होगा। शर्त ये है कि सर हां यूट्यूब इस चीज से मना करते हैं। अब देखिए जी मेरे सामने दीवार है ना काशी भाई, अब मैंने ये कैमरा ऑन किया, सामने में दीवार दिखा रहा हूं, अब ये मेरी वीडियो YouTube के सामने आएगी तो YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि YouTube कहता है कि दीवार क्यों दिखा रहे हो, हाँ, इसका कोई फायदा इसका तो नहीं है, फायदा नहीं है। अगर तुम तुम्हें लगता है कि कोई वजह है तो आप डिस्क्रिप्शन में वो वजह डिस्क्राइब करो कि आप या फिर मतलब आपके चैनल से फायदा अगर लोगों को हो रहा है या एंटरटेन हो रहे हैं, कोई ना कोई मकसद है चैनल का, फिर मोनेटाइज होगा, या फिर आप वैसे ही जी हमारे सर्वर के ऊपर लोड डाले जा रहे हो, ये चीज मैटर करती है। ठीक हो गया सर, न्यू यूट्यूबर हूँ, मुझे एक मेरा एक सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे बताएं कैसे व्यूज आएंगे, या कह लें कि मुझे ये बताएं कि मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा, कौन सी आप दो तीन चीजें समझते हैं मेन इंपॉर्टेंट जिससे लोगों को सर देखिए जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उनको जो चीज मैंने बताई है कि अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उसमें उनको वो काम करने में मजा आएगा। अगर एक चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं है ना तो उनका दिल ही नहीं करेगा वो काम करने का। अब उनको टॉपिक मिल गया, सबसे मेन चीज है ना सर टॉपिक मिलना, एग्जैक्टली कि यार मैंने क्या काम करना है। अगर आपको आपका टॉपिक मिल गया उसके बाद सर आपने जो ट्रिक बताएं, ट्रिक बताएं, आज जो है ना ट्रिक ही पूछनी है, ट्रिक बताएं, क्लिक करके मेरे हजारों व्यूज कैसे पहुंचेंगे? सर ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, जितने भी बताते हैं सारा फ्रॉड है, झूठ है, ड्रामा है। सर अगर इस तरह की कोई ट्रिक होती मैं और आप अपनी हर वीडियो में लगाकर 2-2 लाख व्यूज ना ले रहे होते, क्यों मिलियंस में ना जाते हैं? लोगों को लगता है कि शायद इनकी ट्रिक है जिनकी वजह से इनके 15-20 लाख व्यूज आ रहे हैं। कामयाबी आपको तब मिलती है कि आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें और करते रहें, क्वालिटी कंटेंट विद कंसिस्टेंसी। अगर आप इन चीजों पे अमल करते हैं कि रेगुलरली काम करते जा रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्वालिटी कंटेंट के अंदर आपकी ऑडियो वीडियो आपका थंबनेल आपका मेटा डेटा ये सारी चीजें काउंट होती हैं। उसके अलावा फिर आपने ट्रेंड को भी देखना होता है कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है, आपने पब्लिक के इंटरेस्ट को भी देखना है, यानी कि यूट्यूब के ऊपर आपने बड़ी समझदारी से काम करना होता है, बड़ी समझदारी से। एग्जैक्टली अब आप मतलब बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं बहुत अच्छी, लेकिन आप जिस एरिया में रहते हैं जिस कंट्री में रहते हैं या जिन लोगों के लिए आप वीडियो बना रहे हैं उन टॉपिक्स के अंदर अगर आपके लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, आपकी बेहतरीन वीडियो के ऊपर भी व्यूज नहीं आएंगे। आपकी पब्लिक यानी आपके जो ऑडियंस हैं उनको किन चीजों में इंटरेस्ट है, आपने अगर उस तरह का कंटेंट बनाया, क्वालिटी कंटेंट बनाया तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। देखिए बात काशी भाई ऐसे लोग होते हैं कि एक महीने में जी छक्का लग गया, तुक्का लग गया, मिलियन में वीडियो चली गई, सब्सक्राइबर भी आ गए, सारा कुछ, लेकिन वो जब गिरते हैं तो जमीन पे आ जाते हैं, देन उनके व्यूज नहीं आते, व्यूज नहीं आते क्योंकि वो तुक्के से आए थे। जब आप अपनी बेस बना के आराम आराम से सर ऊपर आते हैं ना तो आप नीचे गिरते नहीं है। अब मेरा चैनल हैक हुआ सर, अब ये दूसरा अच्छा, हैक की क्या स्टोरी बताएंगे किस तरह हुआ या क्या थोड़ा बहुत, क्योंकि इंसान है कहीं ना कहीं गलती इंसान से भी होती है, क्योंकि हम लोग भी अगर यूट्यूब के बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है या आपको एक अच्छा नॉलेज है कहीं ना कहीं हम भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं आपकी मिस्टेक ऐसी क्या, आप लोगों को क्या बताएंगे? सर मैं समझता हूं हैकिंग के वाले से क्या हुआ था सर जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी, एक तो मैं जाती तौर पे जो समझता हूं कि विंडोज इस्तेमाल करना और पुरानी विंडो इस्तेमाल करना पहली मिस्टेक। मैं उस वक्त लैपटॉप में विंडो 7 चला रहा था। दूसरी मेरी मिस्टेक ये थी कि पहले तो पुरानी विंडो फिर विंडो और उसके बाद ये गूगल क्रोम ब्राउजर। सर मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर लूप होल बहुत ज्यादा होते हैं, बल्कि अक्सर गूगल की तरफ सर मैक्सिमम यूट्यूबर्स तो गूगल क्रोम ही हम लोग यूज सर ऐसे ही हमारी गलतियां होती हैं सर। अब देखिए मेरे साथ तो हो चुका है ना, मतलब मैं जिन चीजों को सही नहीं समझता हूँ, एक तो विंडो इस्तेमाल करना, उसके ऊपर गूगल क्रोम को इस्तेमाल करना, प्लस सर एंड्रॉइड
एंड्रॉइड मोबाइल, सर एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी बड़े हैक होते हैं। पहले तो हमारे यहाँ ये है कि लोगों को सर चैनल ग्रो तो करें, मतलब मेहनत करें, ग्रो करें आप लोग चैनल, लेकिन जब ग्रो कर जाए तो सिक्योर भी रखें उसको। सिक्योर आजकल के टाइम में तो बहुत लाजमी हो गया। और भी चैनल ज्यादा नहीं जाएंगे, हाँ बिल्कुल, फायदा उसका इनको भी इतना नहीं है ऑडियंस को, बिल्कुल, क्योंकि अभी इनके चैनल जिनके ग्रो नहीं है उनको फायदा इतना खास नहीं है, तो ये ऑडियंस का इंटरेस्ट मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा भी सही चैनल को, क्योंकि अभी पहले इनको विंडो इस्तेमाल भी करते हैं तो लेटेस्ट विंडो इस्तेमाल, हाँ लेटेस्ट, उसके अंदर कोई ऐसा उल्टा सीधा सॉफ्टवेयर डाले, लिंक्स के ऊपर क्लिक ना करें। अच्छा मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं, मैंने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं डाला था, कोई लिंक ओपन नहीं किया था, सिर्फ ये बात है सर मेरी विंडो पुरानी थी, विंडो 7 थी और कुछ भी नहीं था उस लैपटॉप के अंदर, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था सर जिसको इस्तेमाल करके मेरा अकाउंट हैक किया जा सके। तो आप कसूरवार लैपटॉप को कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं लैपटॉप। और बाकी सर लास्ट मेरा आपसे सवाल है जी जी। वो ये है कि हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज, ठीक है जी, तो मुझे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे, या मैं मतलब लोग मुझे आके अभी भी कहते हैं कि भाई मेरे पास मोबाइल है एक, ठीक है जी जी, तो मैं उससे स्टार्ट कर सकता हूँ, या कुछ कहते हैं यार इन्वेस्टमेंट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, क्या मेरा स्टार्ट मोबाइल से हो सकता है, या इक्विपमेंट्स कितने, मतलब आप समझते हैं कि आपके पास ड्रोन और अगर सब आप कुछ मुझे पहले बताते हैं ना कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो मैं अपने दूसरे घर से अपना वो मोबाइल फोन उठा के ले आया था जिसके ऊपर मैंने टेक्निकल तनवीर असगर स्टार्ट किया था सर। क्यों मोबाइल था, क्यों मोबाइल एनर्जी X2 और स्क्रीन उसकी पूरी टूटी हुई है, आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आप मुझे कहते सर तो काश मैं ले आता, वो दिखाता मैं पब्लिक को। तो सर जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास ना तो माइक था, ना मेरे पास ट्राइपॉड था, जस्ट मेरे पास एक क्यू मोबाइल था। सर बेसिकली पता है क्या, आप मेहनती होने चाहिए, आपको अपने काम में लगन होनी चाहिए। हाँ उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार आप पहली वीडियो से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, अच्छी वीडियोस बनाएं, यानी इन्वेस्टमेंट है तो कर ले, अगर है आपके पास पैसा है खर्च कर सकते हैं, देन ठीक है आप अच्छे कैमरे भी ले लें, माइक भी ले लें, ट्राईपोड भी ले लें, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बाद यूट्यूबर्स क्या होते हैं सर, अभी उन्होंने पहला मतलब पहली वीडियो बनाई होती है, नया नया चैनल होता है, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं कौन सा कैमरा बाय करूं, कौन सा माइक बाय करूं, कौन सा मतलब इक्विपमेंट्स की तरफ, बिल्कुल स्टार्ट में ही वो लोग ये, तो सर इनको ये चीजें जरूरत नहीं होती है। मैं समझता हूं पहले आप YouTube से कमाना सीखो, जब आप YouTube से कमाओ तो YouTube के ऊपर आप खर्च भी करो। आप माँ बाप की जेब से जब पैसे निकाल के YouTube पे लगाओगे, उन्होंने आपको बाद में गाली देनी है, पहले आपके मेंटोर को देनी है, मुझे देनी है, तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई पहले कमाओ उसके बाद खर्च करो, मतलब YouTube से ही आप लोग कमाएं पहले फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि अपने वालदैन को तंग कर रहे हैं कभी, जो है ना पेरेंट्स को कह रहे हैं कि पैसे दें। आपने माशाल्लाह इतने क्वेश्चन पूछे हैं सर, एक राउंड अबाउट आपने मतलब एक्यूरेट तो नहीं बताना है, लेकिन राउंड अबाउट आपकी यूट्यूब की अर्निंग कितनी होगी, राउंड अबाउट ये अब सारा कुछ छोड़ के एड्स की अर्निंग, एड्स की अर्निंग हम कह सकते हैं कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मतलब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, गाड़ी है, ठीक है, बाकी ये मोबाइल शोबाइल मतलब शौक जो होते हैं ना आप, लेटेस्ट आईफोन ले सकता हूँ मैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि जॉब आप अगर कर रहे हैं ना तो उनमें जितनी सैलरीज मिलती है ना आपको उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, जॉब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग फुल टाइम यूट्यूब कर सकते हैं अगर आप लोग प्रॉपरली उस पर काम करते हैं, ठीक है, और यूट्यूब के साथ साथ बाद में आप लोग इसके अलावा बिजनेसेस भी ऑनलाइन स्टार्ट करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यूट्यूब से नहीं कर रहा हूं सर, पब्लिक का यहां पर क्वेश्चन है, आपने कहा कि लेटेस्ट आईफोन में बाय कर सकता हूं, पब्लिक ने पूछना है कितने ये जो है ना अब तनवीर भाई फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, राउंड अबाउट से मेन जगह पे जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि दो तीन बाय कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो जाती है, ठीक है, आप दो तीन पाँच दस पे नहीं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कितनी हो जाती है, ठीक है। आपकी बातें सुन के मुझे अपना एक दोस्त याद आ गया सर, वो भी आपकी तरह मतलब बड़ी लोगों की हेल्प करता था, लोगों को रोजगार देता था, सारा कुछ सर बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था, फिर बेचारे की शादी होगी आप भी तो बताइए ना, सारा इंटरव्यू के अंदर बच्ची ने तनवीर भाई को तंग किया और मुझे वीडियो के शुरू में कहते हैं, वीडियो बनाने से पहले ना जब हम बैठे बात करें, कहते हैं काश भाई अभी शादी ना करना जल्दी, ठीक है, ये हाल होता है कि तंग करते हैं। मैं आपको इसलिए कहता हूँ सर, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि यार हमारी बीवियां कहती है तनवीर से बात ना करो, मैं कहता हूँ क्यों, तो कहते हैं इसने दो शादियां की है कि तुम्हें भी मशवरा देगा दूसरी शादी का, ये तनवीर भाई जो है डेंजरस है, ये लोगों का पैगाम इनकी जो है ना बहुत सी औरतें अपने हस्बैंड को कहती है कि बहुत से हस्बैंड को कहती है कि जो है ना आपने इनसे बात नहीं कर रही, ये दो दो शादियों के जो है ना मशवरे सर हमने तो चले मजबूरी में दो की है, वहाँ पे जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब उनसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तो वो तीन चार करके बैठे सर, उनसे यही क्वेश्चन करना है, तो ये आप लोग नेक्स्ट जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी तो उनसे ये वीडियो मतलब उनके टाइप का होता जा रहा हूँ, उनसे पूछेंगे तनवीर भाई ने दो की है आप चार का पैगाम देते थे क्यों देते सर, आप एक भी क्यों नहीं कर रहे, पब्लिक का क्वेश्चन है
तो सर, अभी आप रिकमेंड ही नहीं कर रहे मुझे, कह रहे कि नहीं अभी आपका मतलब अंदर से दिल तो करता होगा ना सर? नहीं वो तो करता ही है, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह जब शादी सामने बड़े भाई भी बैठे हैं उनके सामने कह रहे हैं कि आप इनडायरेक्टली उनको बताना तो नहीं चाह रहे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि यार अभी जो है ना बड़े भाई फैसला करेंगे, जब वो कहेंगे तो इंशाल्लाह तब जो है ना शादी होगी। अफसोस की बात ये कि अभी बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई है, उनका निकाह हो गया, तो उनकी जब हो जाएगी रुखसती वगैरह, उनकी जो वाइफ आ जाएंगी, फिर उसके बाद जो है ना एक सिस्टम चलेगा, फिर फैसला होगा घर में। हमारे इनको में एक वर्ड है निकाह, आपने कहा उनका निकाह हो गया, निकाह हुआ है या निकाह हुआ है? निकाह हो गया, निकाह हुआ है, निकाह, क्योंकि निकाह हमारे यहाँ मतलब छोटे बच्चे को कहते हैं। हाँ, निकाह हो गया। और बाकी इंशाल्लाह सर, और बहुत अच्छा लगा आप आए, मैं आपके पास आया, लेकिन आप हमारे चैनल पर आए सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके पास भी आने वाला हूं। इंशाल्लाह सर हम आपको जो है ना इनवाइट करते हैं, आप हमारे पास आए और वहां पे भी इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। मेरे चैनल पे आने का तो कह दें प्लीज। हाँ, मैं आपको जो है ना जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक तनवीर भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जानते तो आप होंगे मुझे पता है, लेकिन आप लोग अगर समझ रहे हैं कि तनवीर भाई का मेन चैनल वो वाला चैनल वो मेरे पास नहीं है, नहीं है, हैक हुआ हुआ है, वो तनवीर भाई के पास नहीं है। इनका जो अभी ओरिजिनल चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तनवीर भाई के नाम से, और इस चैनल पर आप जाएं, इनको वहां पर आप सुने, ये इनका ओरिजिनल चैनल है, ये वहां पर प्रॉपर बताते भी हैं कि डेट वाइज भी बता देते हैं कि आज ये डेट है और इस लिहाज से आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप उस चैनल पे इनकी वीडियोस देखें ताकि इनको भी आप मतलब ये है कि आप हाँ, सीधी सी बात है, इनसे भी आपको फायदा हो और इनकी वजह से हम दोनों को ताकि दोनों ग्रो कर सकें। हाँ, बिल्कुल, ताकि दोनों जो है ना ग्रो कर सकें। काशी भाई थैंक यू, और आखिर में जी मेरी बेटी है, अल्लाह हाफिज करेगी। चलो जी अल्लाह हाफिज करो कैमरे में, कैमरे इधर देखे, उधर देखे, अल्लाह हाफिज। नादिर अली की तरह कैमरे में कैमरे में देख के आते लाओ, अल्लाह हाफिज करो। चले हम सारों की तरफ से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।